अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स, जो भी ये वीडियो देख रहा है उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने असल में वीडियो बनाने का आज का ये मकसद है कि ज़रा सा गाइड करूँ आप लोगों को बाइनरी ऑप्शन का। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो ओलम ट्रेड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक है, ठीक है, IQ ठीक है या ओलम ठीक है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो न्यूबी हैं, ठीक है, न्यूबी से मुराद जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, $10-$20 से काम स्टार्ट करना है, ठीक है, उनके लिए IQ ऑप्शन ठीक है। सब भाइयों ने मुझसे पूछा था ये क्या क्या वजह है कि ये ठीक है, तो उसमें ये है कि ओलंप जो है आप देखोगे, ठीक है, एक तो ज़रा वो है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ बेसिक से मिलेगी। IQ ऑप्शन में इसमें आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम मिल जाएंगे, ठीक है जी, 1 मिनट की ट्रेड लगा सकते हो, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, लेकिन आपको लम्ब में मिलता है 1 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, कई सारे भाइयों ने कहा जी स्ट्रेटजी बता रहे हैं जिससे लॉस कम हो, ठीक है, उसके लिए जो है IQ ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ मैं। ये वजह है कि वो ज़रा जब आप इसमें हो जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे IQ ऑप्शन में, देन आप लम्ब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप कर लो तो इशू कोई नहीं, अगर आप 1 मिनट की एक्सपायरी पे काम करते हो तो आपके लिए ठीक है वो। तो अगर IQ ऑप्शन में काम करते हो, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसका मैं बेसिक सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ। ठीक है, जब आप न्यू अकाउंट खोलोगे आपके सामने ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म आएगा, ठीक है, कोई कैंडल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ प्रैक्टिस अकाउंट मिल जाएगा आपको, यहाँ रियल मिल जाएगा, ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे ये आपको सारे मिल जाएंगे, एसेट्स मिल जाएंगे जिस पे आप काम कर सकते हो। डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल में आपको 10 सेकंड की एक्सपायरी मिलती है, और बाइनरी में आपको मिलेगी 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की एक्सपायरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप फोरेक्स भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी, फोरेक्स स्टॉक है, क्रिप्टो भी कर सकते हैं, कमोडिटीज़ भी हैं, इंडेक्स भी है, ETF भी इसमें है, ठीक है। इसमें हम काम करेंगे बाइनरी में, बाइनरी का ये चार्ट मैंने खोला होगा पाउंड का, ठीक है, क्योंकि पाउंड में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। यहाँ पे आना है आपने, सबसे पहले इधर से सिलेक्ट की कैंडल, कैंडल सिलेक्ट करने के बाद 2 मिनट का चार्ट ले लिया आपने, इंडिकेटर आ जाओ, इंडिकेटर में आपने बलिंजर बैंड लेना है एक, ये आगे बलिंजर बैंड, ये आपको यहाँ मिलेगा, पॉपुलर में आओगे, यहाँ पे आपने ये आपको है पड़ा हुआ बलिंजर बैंड, 15 करके इसकी सेटिंग ये लगा देना है। इसके साथ आपने लगानी है RSI, पॉपुलर में आपको मिल जाएगी ये 14-70-30 के साथ, ये ठीक है आपके लिए स्टार्टिंग में जो है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपका टाइम फ्रेम है, ये आपको एक्सपायरी मिल रही है, ठीक है, इसमें से आपने जो भी कैंडल ओपन होगी, ठीक है, यहाँ पे टाइम चल रहा है ये 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट के बाद हमें 2 मिनट की एक्सपायरी चाहिए, मतलब 22 मिनट तक, तो यहाँ पे आपने 22 लेना, ठीक है जी। नाउ ट्रेड सर्च करें कोई यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 24 मिनट की एक्सपायरी देके, यानी कि परचेज सिंगल क्लिक कर देना आपने से, नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लिक करोगे आपको उसी टाइम ट्रेड लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपने ट्रेड किस तरह लेनी है कि जैसे ही RSI जाएगी 70 से ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगी और बलिंजर बैंड ऊपर टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी सेल लेनी है, ठीक है, ऊपर जाके जब ये नीचे वापस आ रही होगी तब लेनी है, ये नहीं कि जैसे ही आप ऊपर गई है आपने वहाँ से सेल ले ली, नहीं, इसका रिवर्स का टाइम लेना है आपने। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है इसके रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे इसने एक लेवल बनाया होगा, ठीक है, अमूमन ये ब्रेक करता नहीं है जल्दी, ठीक है, लेकिन बाज़ुकात कर भी जाता,
अभी आप देखो कि 22 मिनट की जब कैंडल क्लोज होगी, ये वहां पे भी प्रॉफिट दे सकता था मुझे, लेकिन पोजीशन सिक्योर करने के लिए मैंने इसको ज्यादा 2 मिनट दिया। ठीक है जी, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकता हूँ। इस टाइम पे ट्रेड अपनी 0.27 प्रॉफिट लेके 2.9 लेके मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अवल तो ये प्रॉफिट ही देगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाते हैं कि यहाँ पे आपको न्यूज़ का बताता रहता साथ साथ, जैसे ही कोई न्यूज़ होगी ठीक है यहाँ पे आपको बता देगा। ये 2 है, आप इसे ओपन करोगे ठीक है, यहाँ पे इसने 2 न्यूज़ आपको दिखाई हैं कि इस टाइम पे ये न्यूज़ चल रही है मार्केट में। तो ये खोलो, यहाँ पे भी न्यूज़ है, न्यूज़ बताता है, अलर्ट बताता है। देखो ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूज़ में बताता रहेगा, न्यूज़ होते हैं, अलर्ट होते हैं, सब कुछ जितना आपको नीचे दिखाता रहेगा ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप टॉप ट्रेडर होते हैं ठीक है, जो वो एंट्री लेते हैं रियल मनी पे, जो एंट्री होती है सिर्फ वही आपको शो कराएगा कि यहाँ पे इसने बाय ली है, तो वहां पे उसका एरर लगा देगा, यहाँ पे बाय थी उसका एरर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आपको साथ साथ जो है मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मिलता है स्ट्रेंथ मीटर होता है एक, ठीक है ये डिसेबल्ड है, इसको अनेबल कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक ये भी स्ट्रेटजी बताई थी कुछ भाइयों को, ठीक है लेकिन फिर भी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही ये जो है लेवल, ठीक है अब ये सेलिंग लेवल 66% है यहाँ पे, ठीक है जैसे ही ये 80%, 85 या 90 तक जाता है तो मैं इसको बाय कर लूंगा। ठीक है, रिवर्स लेना आपने वहां से, अगर ये 41% जो है बाइंग, ठीक है हायर हायर होगा बाय और लोअर होगा सेल। ठीक है, जैसे ही यहाँ से ऊपर जाता है ये, इसका हायर जो है 88%, 90% तक हो जाता है, मैं वहां से इसको सेल दे दूंगा। अब ये ट्रेड होगी मेरी क्लियर। ठीक है जी, आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गई है, ये बेसिक सा इसका सेटअप है। हायर मीन बाय करना है, लोअर मीन सेल करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो अपना बैलेंस यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को आपका बैलेंस पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना बैलेंस देख सकते हो। ठीक है, ये छोटा अकाउंट है मेरा, ठीक है ये सिर्फ मैंने वीडियोस बनाने के लिए, आगे इंशाल्लाह जो भी और गाइड करना होगा भाइयों को, जो पूछेगा क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं इसी में क्लियर कर दिया करूंगा वीडियो में, कोई हफ्ते बाद जो है एक वीडियो बना दिया करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए बाइनरी करना है आपने, तो आईक्यू ऑप्शन ठीक है आपके लिए। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें सारी, इसमें कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपने जैसा कि मैंने यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड ली है, आप लोगों को बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है जी तो ग्राफिक्स में आओ आप, ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, ये इसका लेवल था यहाँ पे ये वाला, ठीक है जी ये लेवल, और ये देखो यहाँ पे ये और ये, इसको एक दफा रिजेक्शन हो गई, दूसरी दफा यहाँ पे सेल ले लो आप। ठीक है, एक दफा रिजेक्ट हुई प्राइस, दोबारा उस लेवल को टच करेगी, वहां से आपने सेल ले लेनी है, सेल लोगे इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको लॉस हो, होता नहीं है वैसे। राउंड यहाँ पे भी आप देख लो, ठीक है जी 2 ट्रेडें मैक्सिमम जाती हैं, तीसरी प्लस में ही आती है, प्लस में माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे लीडर बोर्ड आपको मिल जाता है, ये इस वीक का प्रॉफिट है 0.81 डॉलर, जो भी स्टार्ट की है ये अकाउंट मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप ट्रेडर्स जो है उनका पता चल जाएगा, उन्होंने कितना अर्न किया है इस मंथ में। ठीक है, आपका भी रैंकिंग इसमें शो कर रहा है, करेगा यहाँ पे, ये आ गया मार्केट एनालिसिस देख लो यहाँ पे आप। ठीक है जी, ये न्यूज़ आई थी आज। ठीक है, यहाँ पे टूर्नामेंट में आप एंट्री ले सकते हो, 2 डॉलर आप दे के, ठीक है ये एंट्री मिल जाएगी आपको, 100 डॉलर वो दे देंगे आपको टूर्नामेंट का, आपने मैक्सिमम बैलेंस बनाना है उस 100 डॉलर से। फिर जैसे इसने बनाया जी
4825, ठीक है जी। अगर ये टूर्नामेंट विन कर जाता है 2 दिन बाद, 2 दिन 7 घंटे बाद ये क्लोज होती है, होगा टूर्नामेंट, जो सबसे ऊपर होगा उसे $1100 मिल जाएगा। इन्वेस्ट आपकी $2 होगी सिर्फ। इसी तरह ये बिग कैच टूर्नामेंट होता है इनका, हर हर महीने होता है ये, ठीक है जी। इसमें $20 की एंट्री होती है, आपको 10,000 बैलेंस मिलता है, $10,000 मिलेगा, ठीक है जी, ये टूर्नामेंट का। उससे आपने ट्रेडिंग करनी है। इतना बैलेंस इसने बनाया अभी, 1,11,39,000, ठीक है जी। अभी ये जीत जाएगा तो इसको मिल जाएगा $2,800 मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें भी, इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं न्यू न्यू ट्रेडर जो हैं उनके लिए। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाओगे, फिर आप चेंज कर लो, आप चेंज करते जाओ, आपको आप पता चलता जाएगा आगे। जो भी तो प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करोगे आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। अभी भी जो चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं, ओलंप पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। जैसे टूर्नामेंट हो गया, टूर्नामेंट नहीं करवाते वो। उसके बाद टाइम फ्रेम जो है, 2 मिनट की एक्सपायरी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। 1 मिनट एक्सपायरी पे ये इशू होता है कि बाजू का आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, 55 सेकेंड आपकी प्लस में रहती है, लास्ट वाले 5 सेकेंड में आपको लॉस हो जाता है। फिर आप कहते हो यार मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, क्या वजह है, जिस वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये है वो है। लेकिन 2 मिनट एक्सपायरी पे आपको यही फायदा है कि 1 मिनट में जो नीचे आ जाता है, ठीक है, आपको लॉस हो जाता है, 2 मिनट में आपको लॉस बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। RSI आप देख लो, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है जी, आपने ट्रेड नहीं लेनी। जब ये वापसी का मुंह करेगा, ठीक है, जब ये यहाँ से वापस आएगा, एक कैंडल सेल बना दी इसने, ठीक है जी, यहाँ पे ये वापस मोड़ गया यहाँ से ऊपर से, ठीक है, RSI ये वाली, ये देखो इसको हम बना लेते हैं यू, ये देखो जी, ये यहाँ से ऊपर जा रहा, ठीक है। जब ये यहाँ से वापस आएगा, ठीक है, ये ऊपर जा रही है मार्केट, जब ये एक कैंडल डाउन की बना देगा, उसके बाद आपने यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होगा, था 2 मिनट की एक्सपायरी, आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी और आपकी ITM हो जाएगी, इन द मनी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे या नीचे, ठीक है, ये आपको रेयर चांसेस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे आया, एक ऊपर गई, थोड़ी सी इसने मुंह ऊपर बनाया, ये आपको लॉस हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, दोबारा एक लॉस, यहाँ पे आपका दूसरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप बाई के लगाओगे, ये यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगी, लेकिन देन यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में वर्क करने का तरीका ये है कि अगर स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा था मैं कि वर्क कैसे करना है, बाय मिस्टेक वो वीडियो ज़रा क्लोज हो गई थी मेरे से। तो जैसा कि आप ये देखो, यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिली, दूसरी रिजेक्शन इसकी ये है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसको एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फोर्थ टाइम ये है कि चांसेस जरा आपके कम हो जाते हैं। अच्छा, अब काम कैसे करना है इसमें, हमने ये देखो ये लगाया, ये समझाने के लिए आपको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आपकी ये थी, यहाँ पे लॉस हो गया, जैसे इसने यहाँ से रिटर्न लिया, लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एक कैंडल छोड़ दोगे, जो उसके बाद बनाएगा ना, जैसे कि इसने बाय बनाई, ठीक है, ये छोड़ देंगे, ये बनाई, ये भी छोड़ देंगे, ये बनाई, क्यों छोड़ेंगे ये दो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आप देखो कम हो गया मार्केट में, वॉल्यूम से मुराद मूवमेंट कम हो गई है, ठीक है। एक तरफ जब मार्केट निकल रही होगी ट्रेड आपने तभी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दिए, ये भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो नहीं करूँगा इस पे काम, लेकिन आपको बताने के लिए जो है मैं बता रहा हूँ कि आपने इन पे काम नहीं करना। जब मार्केट में वॉल्यूम होगा, मूवमेंट होगी, ट्रेड तब लेनी है, यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे मार्केट स्लो थी, स्लो होने के बाद एक उसने मूवमेंट दी, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है एक रिट्रेसमेंट तो मिलती मिलती है, ठीक
ठीक है, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर एक और बाय की बनाता तो मैं देन यहाँ पे उसकी जो थर्ड बाय होगी वहां से बाय लूंगा। ठीक है, बहरहाल ये काम हो गया यहाँ पे, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी क्या, यहाँ पे एंट्री क्यों लेंगे हम, क्योंकि इसने एक बाय की बना दी। ठीक है, और बाय की बनाने के बाद यहाँ पे इसने स्पिनिंग टॉप बना दी एक। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप बन गई आपकी, क्योंकि स्पिनिंग टॉप के बाद हो आपको पता है कि मार्केट रिवर्स करती करती है। ठीक है, यहाँ से इसको रिवर्स मिला, यहाँ पे ट्रेड लगाई, ये होगी क्लियर। अब इस पे हमने काम कैसे करना है कि बाय चांस हमारा लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड होगी हमारी $1 की, दूसरी ट्रेड होगी $2 की, तीसरी होगी $5 की, ठीक है, चौथी ट्रेड होगी हमारी $60 की। फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है, सेकंड ट्रेड अगर यहाँ पे भी ले लेते हो लॉस हो गई, थर्ड ट्रेड यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आज तक मुझे जो है 4 से ऊपर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 2012 से। ठीक है, इस वजह से जो है 4th जो है मैक्सिमम नंबर्स है, 1 to 5 पे क्लियर हो जाती है मेरी, 1 to 1 2 पे क्लियर है, 5 मैक्सिमम कभी सम टाइम होता है तो 5 लगानी पड़ जाती है, तो इतना बिग इशू नहीं है। उसमें भी 5 लगाओगे तो आपको तकरीबन $1 का प्रॉफिट हो ही रहा होगा तब भी। ये देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं एंट्री तो ये भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी थी अभी। ठीक है, इसके बाद आप इसमें आ जाओ, डिजिटल में आ जाओ, डिजिटल में आपको ये मिल जाता है, कोई भी पेड़ आप पकड़ लो। ठीक है, इसमें आपको 10 सेकंड की एक्सपायरी मिलती है, इसमें पाउंड ये रहा, जैसा कि टाइम फ्रेम देख लो ना आप, टाइम फ्रेम आपको 5 सेकंड का भी मिल जाएगा, 5 सेकंड की कैंडल भी आप वॉच कर सकते हो, इसमें 10 सेकंड की भी कर सकते हो। हालांकि गला खराब है इस वजह से जो है। अच्छा, बाकी 10 सेकंड की इसमें ट्रेड होगी आपकी, 10 सेकंड या 30 सेकंड ही होते हैं, आई थिंक 10 सेकंड होते हैं। इसमें आप देख लो, यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं अगेन, तो 30 सेकंड एक्सपायरी है। ठीक है, कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। ये देखो सेल की ऑप्शन आ रही है, मेरा कर्सर शो नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेल की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सेल कर सकते हैं। ओके, $1 लॉस हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप ये देखो डिजिटल में आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की ट्रेड होती है। ठीक है, इसमें आज 2 मिनट की ट्रेड लगाते हैं, तो यहाँ पे ये सैली आएगी। ठीक है, इसको चलने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, फिर जीबीपी एयूडी देख लेते हैं। एयूडी कैट जिसमें मूवमेंट हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए मुझे, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपके लिए वो स्ट्रेटजी ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे फाइंड करनी है, वो फाइंड करके कैसे ट्रेड लगानी है उस पर।
लेकिन स्टार्टिंग में आप बुलिंजर बैंड और आर एस ए पे वर्क कर सकते हो। जैसे ये देखो आप, यहाँ से ये रिवर्स हुई, रिवर्स आई है, ठीक है। मेरा कर्सर नहीं शो होगा आपको, लेकिन ये आप ये देख सकते हो, यहाँ से ये नीचे रिवर्स हुई, यहाँ पे आपने सेल ली 2 मिनट की एक्सपायरी पे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। थर्ड कैंडल पे आपने नहीं रिस्क लेना, सेकेंड कैंडल इज इनफ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 12:26 पे, 12:26 पे ये ऊपर थी, ठीक है। यहाँ पे आर एस ए ने टच किया 70 लेवल को, 70 से रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई नीचे, यहाँ पे आपने सेल ले ली, 2 मिनट की एक्सपायरी थी, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। ये भी प्रॉफिट हो गया आपको। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, रेयर चांस, जैसे कि आपको कहा था, यहाँ पे आपने बाय ली, यहाँ पे आपको लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय चांस यहाँ पे भी लॉस हो जाता आपको, तो यहाँ पे आपका रिकवर हो जाना था। ये देखें जी, बैलेंस में अपना अनहाइड कर दें, ठीक है। फर्स्ट मुझे लॉस हुआ $1 का, देन 1.66 प्रॉफिट हो गया, यानी कि 0.66 मुझे इसमें से प्रॉफिट हुआ ट्रेड में से, ठीक है। 1, 2, 5, 7 की ट्रेड लगानी है आपने। फर्स्ट ट्रेड होगी $1 की, सेकंड होगी $2 की, थर्ड होगी 5 की, और फोर्थ ट्रेड होगी आपकी $7 की। इसमें आपका सारा लॉस रिकवर हो जाया करेगा इंशाल्लाह। अगेन ये अपने स्पोर्ट लेवल पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अब ट्रेड लेना रिस्की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट इसने ट्राई की यहाँ पे ब्रेक करने की, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सेवन्थ अटेम्प्ट है इसकी, तो यहाँ पे मे भी ये ब्रेक करते, लेकिन रिस्क नहीं लेना हमने। बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी तो नहीं, खैर बड़ी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जैसे जैसे क्यूरीज होंगी वैसे वैसे इसकी वीडियो बना के स्मॉल पॉट्स में मैं पोस्ट कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।